क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं JWT। लास्ट वीडियो में हमने इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन जाना था और उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं और आज इसको प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमने वैसे तो इंस्टॉलेशन कर ली थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप JOES NPM लिखेंगे, लाइक JOES NPM इंटर करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा लिंक और यहाँ पे आप इसे कॉपी करके इसको इंस्टॉल कर लेना अपने एप्लीकेशन के अंदर। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ नहीं, और मुझे उम्मीद है मैंने इसे इंस्टॉल भी कर लिया था। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ उसका तरीका है। देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। आपने नहीं की तो आप कर लेना और फिर से आगे जाते हैं, इसे इसको जरा प्रैक्टिकल करते हैं। मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा था JW टोकन को हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी होती है, एक सीक्रेट होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेटा, और तीसरा इनका एल्गोरिथम हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। वो सब हम देखेंगे, कॉपी पेस्ट इतना इश्यू नहीं है, आप परेशान ना हो। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने एक API का फोल्डर बनाया है ऐप के अंदर, उसके अंदर एक लॉगिन की API बनाई है राउट, जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं अभी। मैंने सिर्फ एक सक्सेस थ्रू करके एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया है और कुछ नहीं करवाया। बाकी ये देखो, अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से, और मिटाने का मकसद ये है कि आपको तसल्ली हो जाए कि इस API में कुछ भी नहीं है, तो ताकि आपकी ये परेशानी निकल जाए। सिर्फ एक रिस्पॉन्स जो है मैं इससे रिटर्न करवा रहा हूं, और इसको टेस्ट करते हैं। यहां पर आ गए और एक न्यू रिक्वेस्ट, चलो इस यूजर वाली को ही मैं इस्तेमाल करके लॉगिन लिखा हुआ है पहले से, इसको मैंने फायर किया, यहाँ पे सक्सेस ट्रू आ गया। तो ये बात समझ में आ गई, हमारी API बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपने राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, पहला काम हम अपने ये लॉगिन की API है, तो सबसे पहला काम यूजर क्या करता है कि बॉडी के अंदर अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है पुट करता है। लाइक ये गेट की रिक्वेस्ट है, इसको गेट नहीं हम पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बॉडी से कुछ यूजर नेम और डेटा को भेजेगा। और यहां पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बॉडी, और बॉडी के अंदर करते हैं अवेट। अवेट के अंदर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, किसके अंदर बॉडी आती है हमें, जेसन रिक्वेस्ट, और जेसन के अंदर बॉडी मिल जाती है। तो अगर हम यहां पर बॉडी भी भेज दें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। सक्सेस ट्रू और बॉडी, हम दोनों चीजें भेजती है। मैं सेव कर देता हूं और यहां पे आते हैं, इसको पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर जेसन है, जेसन को इसे जेसन प्रोवाइड करते हैं। जेसन के अंदर मैं दे देता हूं एक तो नेम, नेम में लिखते हैं नहीं इस बार रतन लाल नहीं, इस बार आत्मा, आत्माराम, आत्माराम, और इसकी उम्र का तो तकाजा है लेकिन इसको हम रोल दे देते हैं। इसका रोल क्या है भाई, इसका रोल है एडमिन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बॉडी दे दी, जेसन के अंदर पोस्ट की रिक्वेस्ट कर दी। मैं इससे जरा सा छोटा कर देता हूं ताकि समझ में आए, और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। देखो मुझे सक्सेस ट्रू मिल गया, और बॉडी में हमारा रोल नेम मिल गया आत्माराम, और रोल मिल गया एडमिन। आप चाहें तो इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, डेटा हम उसे कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी हमें नीड है पूरी वेबसाइट के ऊपर किसी यूजर को जानने के लिए। तो बॉडी में हमें मिल गया हमारा डेटा, हाँ ठीक है, मजा आ रहा है वैसे, ये इस तरह से ब्लैक स्क्रीन पे काम करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। बहस किए बगैर हम जाते हैं, क्या हम आते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर, इफ इफ, अब यहां पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारी बॉडी, मतलब इसमें नॉर्मली डेटा आता है डेटाबेस से अंदर, और डेटाबेस से हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही इसको हम आगे बढ़ाते हैं, चूंकि हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट नहीं, कंडीशन सेम होगी लेकिन कुछ चीजें, सॉरी उसकी कोड जरा सा चेंज होगा, सही है। अभी हम डेटा बॉडी से ले रहे हैं, और बॉडी से लेने के बाद हम इसे चेक करवाते हैं डेटाबेस से कि भाई ये जो डेटाबेस है, लाइक मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कॉन्स्ट यूजर, और यूजर करेंगे अवेट, और कोई भी DB होगा, डॉट सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट के अंदर वो होगा, सॉरी ये तो सजेशन है ना, जिंदगी कभी अच्छी भी कर देते हैं कभी वो भी कर देते हैं। DB बेस लिख लेता हूँ समझने के लिए, क्योंकि वो सजेशन आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो DB सिलेक्ट कर दिया मैंने, सिलेक्ट के अंदर फिर होता है डॉट फ्रॉम, के भाई कौन से टेबल के अंदर चेक करो, यूजर के टेबल के अंदर चेक करो, डॉट फिर होता है वेयर,
वेयर में ई एन, ई एन में क्या होता है कि भाई नेम चेक करो, कौन सा बॉडी डॉट नेम, बॉडी डॉट नेम। तो इस तरह से हम डेटाबेस के अंदर अपने यूजर को वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई यूजर जो है वेरीफाई हुआ या नहीं। मतलब क्या है कि हम अपने टेबल के अंदर इस बॉडी से जो रिस्पॉन्स आता है उसको इस क्यूरी के जरिए वेरीफाई करते हैं, फिर इस यूजर के अंदर हम आते हैं कि भाई देखो यहाँ पे यूजर आया या नहीं। अगर यूजर आया तो हम कहते हैं कि भाई यूजर अगर ट्रू है तो ये कोड चला दो, और यूजर अगर ट्रू नहीं है तो फिर उसको रिटर्न कर दो कि भाई सक्सेस फॉल्स हो गया, सक्सेस फॉल्स हो गया, और बॉडी हटा दो, सक्सेस फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, बट हमारी कंडीशन में ये है नहीं। हमारी कंडीशन में आपको समझने के लिए सब चीजें मैं कर रहा हूं कि हमारी कंडीशन में हम कहते हैं कि भाई बॉडी डॉट जो नेम है, नेम बराबर होना चाहिए किसके, आत्माराम के। स्पेलिंग मैंने क्या लिखी थी, स्पेलिंग देखो केस सेंसिटिव होता है अभी, ये इसका ध्यान रखना। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और यहां पे करते हैं पेस्ट। नेम जो हमारे बराबर हो आत्माराम के, जब ये नेम बराबर होगा तो आप इसको यहां से क्या करोगे, रिस्पॉन्स दोगे, क्या रिस्पॉन्स दोगे, टू, और बॉडी सामने ले आओगे, और बॉडी बॉडी, ठीक है, इसको ट्रू कर देते हैं। ये सब हम कर भी चुके हैं, लेकिन दोबारा से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये जो जेसन वेब टोकन है आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ताकि कोड जो है खुला खुला हो जाए। सेव किया, तो किया, जरा सा जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा मुझे ये बेहतर लग रहा है या ये काफी बड़ा लग रहा है, ये सही है। अब मैंने कहा कि भाई अगर आत्माराम हो यूजर तो इसके अंदर आ जाए, अगर आत्माराम ना हो तो वो फॉल्स दे दे। हम आते हैं एपीआई के अंदर, हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या भेजा, आत्माराम, मैंने यहाँ पे सेंड किया तो हमें ये मिल गया। अगर आत्माराम का मैं रतनलाल भेज देता हूँ इसकी जगह, रतनलाल, तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें कहता है फॉल्स, हमें आपको इजाजत नहीं है या जो भी। तो ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, हम इसको फॉल्स नहीं ट्रू रखते हैं, और हमें यहाँ पे मिल गई, बात बात खत्म हो गई। अब हमने समझ लो क्या किया, हमने यूजर को डेटाबेस से गेट कर लिया और बॉडी के अंदर उसको स्टोर कर लिया। मतलब वन टाइम यूजर लॉगिन हो गया, और लॉगिन होने के बाद हमने उसका जो डेटा है यहाँ पे गेट कर लिया, और डेटा कहाँ से किस तरह से गेट किया वो मैंने अभी कोड आपको लिख के बताया था कि इस तरह से हमने गेट करते हैं यूजर का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी की जगह मैं लिख लेता हूँ यूजर, ताकि समझ में पूरी बात आए। यूजर ने लॉगिन कर दिया, हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया, और हमारी एपीआई ने कहा ठीक है भाई ट्रू है, और यूजर का डेटा हमें पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे काम शुरू होता है जेसन का, क्योंकि एपीआई के, सॉरी, किसी भी एप्लीकेशन में जो राउट्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, और जेसन टोकन के जरिए ही हम अपने राउट्स को सिक्योर करते हैं कि कौन से राउट पे किसको इजाजत है और कौन से राउट पे किसको इजाजत नहीं है, और कौन से यूजर को या कौन से राउट्स हमारे पब्लिक है, कौन से राउट्स प्राइवेट है, कौन से राउट सिर्फ एडमिन के लिए, कौन से राउट सिर्फ पब्लिक के लिए है। ये सब चीजें जो है हमें जेसन टोकन से कवर की जाती है। वो किस तरह से करेंगे, हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। हमें कुछ भी नहीं पता कि भाई हमें क्या करना है, आप हमें बताओ क्या करना है, आप हमें बताओ क्या करना है, ठीक है। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन, हम अगर सर्च करें कि भाई डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर है, डॉक्यूमेंटेशन हमें कहीं मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। मैं कंट्रोल एफ करता हूं, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर, गेट स्टार्ट के ऊपर। अच्छा, ये तो इसकी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमें देखो ये लिखा हुआ है कि अगर आपको साइन इन करना है तो आपको इसके अंदर जो मेथड लिखा हुआ है वो मेथड यूज करना है। आपको टोकन को वेरीफाई करना है तो आपको इसके अंदर जाना है इन तीनों लिंक में, तो वेरीफाई करना है। और इसी तरह इसमें कहीं डीकोड का भी होगा कि अगर आपको डीकोड टोकन या डीकोड अगर करना है तो आपको ये चीज यूज करनी है, ठीक है। तो हम आते हैं साइन इन के ऊपर, हमें साइन इन करना है तो हम साइन इन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे ये जो है ना सारा कोड करते हैं कॉपी पेस्ट, ये करते हैं कॉपी। एरर आता है आने दे, देख लेंगे, फिक्र ना करें।
कॉपी करने के बाद हम आते हैं नीचे अपने यूजर के ऊपर, या यूजर नहीं बल्कि यहां पे आ जाते हैं इफ के अंदर, टेस्ट कर देते हैं भाई कि भाई हमें ये कोड लागे दे दो, हमने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो हमें कहां का एरर आ रहा है, सबसे पहले हम अपने एरर्स को देखते हैं और ये सीक्रेट जो है मिटा देते हैं, फिलहाल सीक्रेट मिटाते हैं ताकि अभी हमें जरा सा है ना खुला खुला चाहिए अपना कोड को। और यहाँ पे ये एरर आ रहा है, एरर मिटा दो। एरर इसलिए आ रहा है कि ये चीज हमें गेट करनी है, सजेशन के अंदर आ जाएगी, जॉब सेकर हमें साइन JWT गेट करनी है, आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो JWT आ चुका है, साइन JWT एल्गोरिदम आ गया। इसमें हम देखो बहुत सारी चीजें होती है, आपको अगर तमाम रीड करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन में रीड कर ले, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें होती है जो कि आमतौर पर नॉर्मली इस्तेमाल होती है हम सिर्फ उस पर बात करेंगे, क्योंकि एडवांस होने के लिए बेसिक होना जरूरी है और हम बेसिक सीख लेंगे तो एडवांस खुद हो जाएंगे, ये मेरा मानना होता है। क्लियर हो गई बात। हमने ये तमाम कोड, ये जो पूरा कोड है इसको हमने किया है कॉपी पेस्ट, ओके, इस पूरे कोड को हमने कर लिया है कॉपी पेस्ट। और अब इसको समझते हैं कि क्या है ये। यहां पे ये कह रहा है कि भाई मुझे जो है सीक्रेट चाहिए, सीक्रेट जो है वो किसमें हो, इनकोडेड हो, जावास्क्रिप्ट का प्रीडिफाइन फंक्शन है, और सीक्रेट जो है हमें process.env में से लाना पड़ेगा, या process.env में हमें सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने वो फाइल नहीं बनाई। लेकिन आपको बता देता हूं कि सीक्रेट इस तरह यहां पे कभी भी नहीं दिया जाता, उसको .env.local के अंदर दिया जाता है। समझने के लिए हम सिर्फ यहां पे इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाता है, सीक्रेट इसको रतन लाल की लिख, आप सीक्रेट कुछ भी लिख सकते हो, दीवानी, या रतन लाल की दीवानी, ये हमने यहां पे लिख दिया, इससे सीक्रेट दे दिया। इस सीक्रेट को अलावा हमने यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्ट बनाया है एल्गोरिदम का, कि भाई आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाहते हो। हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर आ जाए तो इन्होंने हमें खुद दिया हुआ है कि हमें कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। ये सारे एल्गोरिदम है, अगर आपको जो भी यूज करना है उसका नाम या कोड देख लें, लाइक ये वाला काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला काम खुद करके दे रहा है, हमें सिर्फ इसका नाम बदलना है। हमने कहा भाई हमें HS256 एल्गोरिदम ही यूज करना है। ये सारा कॉपी पेस्ट है, ये जहन में रख लेना, कोई इसमें कारीगरी नहीं है, सिर्फ समझ रहे हैं ताकि नकल भी करें तो जरा सा अकल का तो इजाफा हो, वरना फायदा क्या। फिर इसने एक JWT के नाम से कॉन्स्ट बनाया, कॉन्स्ट के अंदर इसने साइन JWT बनाया, और इसको अगर हम यहाँ पे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये वही ऑब्जेक्ट है जो डेटा हम इससे प्रोवाइड करेंगे। एल्गोरिदम के बाद हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एल्गोरिदम के बाद हम इसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो पेलोड है, इसके अंदर हम डेटा दे रहे हैं अपना, तो डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो यूजर भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बॉडी जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अब ये यूजर हो चुका है बट ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इससे हम यही ऑब्जेक्ट दे देते हैं कि भाई ये जो यूजर है इसको आप अपने पास रख लो, ये भी बात हो गई सही। फिर ये करता है कि डॉट सेट प्रोटेक्टेड हेडर के नाम से एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर आप हमें एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट दे दो। तो यहाँ पे हमने ये एल्गोरिदम का ऑब्जेक्ट इसे पास कर दिया, चूंकि ये एक स्ट्रिंग है तो हम इसे स्ट्रिंग इस तरह अगर लिखें कि एल्गोरिदम के वेरिएबल के अंदर ALG लिख दिया तो यूं भी लिख सकते हैं। और ES15 कहता है कि जब एक दोनों दोनों की और वैल्यू एक जैसी है तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में अच्छा सा साफ सुथरा कोड हो जाता है। सेट इशू एट, इस वक्त ये टोकन बना, किस वक्त ये टोकन इशू हुआ, ठीक है, ये फंक्शन उसकी टाइम ले आएगा। और सेट एक्सपायरेशन टाइम, किस वक्त इसको एक्सपायर होना है, बनने के 2 घंटे बाद हमने कर दिया, आपको 1 घंटा करना है, 2 घंटे करना है, ताकि हमारी सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर से बेहतर हो जाए। ये लेयर्स है, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि भाई डॉट साइन में मुझे आप सीक्रेट पास करें, ये रहा हमारा सीक्रेट। तो यहां पे हमने पास कर दिया, नॉर्मली ये सीक्रेट जो है env.local के अंदर पास किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आ गई बात समझ में, ये पूरा कोड जो हम कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, ये पूरा कोड हमने समझ लिया। और समझने के बाद अब हम API को फायर करेंगे, और यहां पे मैंने कर दिया कंसोल, या कंसोल नहीं करता मैं, यहां पे करता हूं क्या, मैं यहां पे करता हूं JWT, मतलब जो हमने टोकन बनाया मैं उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न भी कर रहा हूं, ताकि हमें पता चले कि टोकन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं,
हम आगे बढ़ते हैं और हमारा यूजर जो है आत्माराम होना चाहिए तो ये काम होगा वरना नहीं होगा। हम आते हैं अपनी एपीआई की तरफ, मैं सेव कर देता हूं, एपीआई को करते हैं कॉल। मैंने यहां बॉडी में पास कर दिया आत्माराम, रोल है एडमिन, सेंड करते हैं। वाह जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त हो गया। अगर मैं आत्माराम का सिर्फ एम मिटा दूं और दोबारा भेजूं, ये कहता है नहीं भाई इसको इजाजत नहीं है। देखो यहीं से हमारी रिस्ट्रिक्शन अभी आपको समझ में आने लग गई, यहीं से समय हमने एपीआई से अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाने लग गए यूजर्स के ऊपर जो भी आ रहा है। तो आप सोचें जेडब्ल्यू टोकन के जरिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो यहां पे इसने क्या किया, सक्सेस ट्रू दे दिया जो हमने रिस्पॉन्स में दिया, यूजर नेम का ऑब्जेक्ट दे दिया वो भी हमने इसे पास किया था, और जेडब्ल्यू टी टोकन प्रोवाइड कर दिया कि भाई आपका जो टोकन बना है वो ये वाला टोकन है। ठीक है, वो कौन सा टोकन है, वो ये वाला टोकन है। अब बात यहां तक भी समझ में आ गई। अब क्या स्टेप था, मैंने कहा था जब टोकन बन जाता है तो हम इसको सेव करवाते हैं ब्राउजर के स्टोरेज में, और ब्राउजर के पास एक लोकल स्टोरेज होता है, एक कुकीज होता है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम नहीं सॉरी, हम इसे सेव कैसे कराएं, सवाल ये है। तो इसका जवाब बहुत ज्यादा इजी है, जो नेक्स्ट जेस 13 हमें क्या कहता है, ये रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स इसके अंदर ये हमें कुकीज दे दे रहे हैं खुद ही कि भाई आपको जो कुकीज सेव करवाना है वो ले लो। तो इसके अंदर मैं डॉट लगाऊं तो ये देखो आपको क्या करना है, आपको कुकीज डिलीट करना है, गेट करना है, तमाम कुकीज डिलीट करना है, चेक करना है, सेट करना है, क्या करना है। तो मैंने कहा भाई सेट करना है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट में देखो हमें क्या देना है, की वैल्यू और कुकीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देना है एक तो नेम, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने लिख दिया भाई नेम दे दो टोकन। नेम के बाद इसे देनी है वैल्यू, वैल्यू क्या होगी हमारी, वैल्यू होगी JWT। ठीक है, यहां तक तो इसकी मैंडेटरी चीजें पूरी हो गई। तीसरा हमने कहा था इसको और ज्यादा सिक्योर करना है, तो हम कहते हैं HTTP जो है, HTTP ओनली, वो चेक लगाना था, मतलब इसको ट्रू कर दो, सेव कर दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, कुकीज डॉट सेट करके एक प्रीडिफाइंड फंक्शन को कॉल किया, उसमें एक ऑब्जेक्ट पास किया जिस ऑब्जेक्ट में मैंने नेम वैल्यू और HTTP दे दिया। वैल्यू हमारा जो टोकन है वही है, ये रहा JWT, नेम मैंने उसका टोकन रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, नॉर्मली हम टोकन कहने तो इसलिए मैंने नाम टोकन रख दिया, नाम आप वैसे कुछ भी रख सकते हो, HTTP ओनली मतलब ये HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ही खुले और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और होगी जो मैं आपको प्रोसेस करके बताऊंगा, और उस पर जरा सा हम कोई ऐसे छोटी सी बहस कर लेंगे। मैं दोबारा API फाइल करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे अंदाजा है, इसलिए आप भी जहनी तौर पे तैयार हैं। अब यही सेम चीजें हैं, बस ये कि ये रिजल्ट आना है और ये जो टोकन है हमें इस कुकीज के अंदर सेव करना है। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है इस कुकीज के अंदर, मैं रिस्पॉन्स पे आता हूं, सेंड करता हूं, हमें एरर मिल गया, हमें एरर मिल गया। मुझे अंदाजा था, इसका मुझे अंदाजा था जो एरर आएगा, लेकिन इसको बिल्कुल हमें इरिटेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है इसको टैकल करना। हम क्या करते हैं, हम इसको इस पूरे रिस्पॉन्स को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, नाम आप कुछ भी रख लें, मैंने रिस्पॉन्स या रेस रख दिया, पूरा नाम रख देते हैं रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। ठीक है, इस पूरे काम को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे ये डॉट कुकीज वाले को हटा दिया कि भाई हमारा ये जो रिस्पॉन्स है इसमें आप जो है यहाँ पे अलग से वेरिएबल में स्टोर हो जाओ, और इस रिस्पॉन्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ कुकीज वाले काम तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, वही काम किया है, वही काम किया है, बट एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद जो कुकीज है उसको मैंने उसी वेरिएबल में उसके नीचे ये प्रोसेस किया, और वही काम कर रहा हूं मैं, रिटर्न करता हूं रिस्पॉन्स, सेव कर देते हैं, कंट्रोल एफ कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, क्या हमें एरर मिलता है या नहीं। वही काम है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया हमारे रिस्पॉन्स को, और नेक्स्ट लाइन में उसके अंदर मैंने कुकीज को मैंने स्टोर किया है, सिर्फ कट पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेव करते हैं, रिक्वेस्ट पे आते हैं, सेंड करता हूं, हमारा टोकन बन गया, हमारी रिक्वेस्ट चली गई कुकीज के ऊपर, आए यहाँ पे, ये देखो वैल्यू हमें मिल गई कुकीज के ऊपर, हमारा टोकन हमें मिल गया। अगर मैं रिस्पॉन्स के ऊपर आता हूं, आत्माराम का मैं एम हटा देता हूं, सेंड करता हूं, तो यहाँ पे देखो वो नहीं है, यहाँ पर वो कहता है कि आपको अलाउ नहीं है, जबकि कुकीज में हमारे टोकन भी नहीं है। ओके,
और यहां पे मैं दोबारा आता हूं आत्माराम के ऊपर, मैं सेंड करता हूं कुकीज के अंदर, जाते हैं कुकीज के अंदर, हमारा जो वैल्यू है वो एपीआई स्टोर करवा रहा है। इस तरीके से कर हम अपने डेटा को इस टोकन के अंदर भेजते हैं इनकोड करके। अब उसको कहीं भी हमें यूज करना होगा तो हम उसको डिकोड करके हम इजीली यूज कर सकेंगे, जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे भी। इसको जरा सा हम समराइज कर लेते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया। बॉडी से कर हमें जो लॉग इन हो रहा है कोई भी यूजर, हम उसको लॉग इन होने के बाद उस यूजर में सेव कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने अपने डेटा से मैच किया, चूंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हमने यहाँ पे इस तरह से कर यूज देख लिया, वरना हम उससे डेटा में यूज देख लेते थे। ठीक है, क्यूरी लिख के मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से हमने फिर उसे एफ की कंडीशन लगाई कि भाई अगर आत्माराम है तो आप क्या करो, एक सीक्रेट बनाओ, ये कॉपी पेस्ट था, एल्गोरिथम यूज करो, ये भी कॉपी पेस्ट था, जेडब्ल्यूटी बनाओ, ये भी कॉपी पेस्ट था। जेडब्ल्यूटी में सिर्फ ये यूजर का जो डेटा है हमने यहाँ से बॉडी से गेट किया है वो इसको पास कर दिया, ये कॉपी पेस्ट नहीं था, ये हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इसको दो काम करना है, सीक्रेट और डेटा देना हमारी जिम्मेदारी है। तो सीक्रेट हमने यहाँ पे बना दिया, और सीक्रेट जो है env.local में बनाया जाता है, और फिर यहाँ पे JWT बना के JWT को हमने यूजर पास किया, उसने हमें एक टोकन बना के दे दिया। और टोकन को हमने क्या किया कि रिस्पॉन्स के अंदर हमने जो ये, अच्छा एक काम और करते हैं यहाँ पे, अब इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं सेव कर देता हूँ, अब हमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों चीजें जो है टोकन में शामिल है, टोकन में हमारा डेटा शामिल है, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेंड करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सक्सेस ट्रू कर सकते हैं या लॉग इन सक्सेसफुली कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि डेटा हमने अपने कुकीज के अंदर टोकन नाम से वैल्यू जो है उसमें भेज दिया, उसमें भेज दिया और रिटर्न कर दिया। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है हमारा, ये रहा जो कि ये मैसेज है। तो एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट मैंने सेंड की, सक्सेस ट्रू, कुकीज के अंदर गए, हमें टोकन मिल गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।